वेलकम फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को आपको कम्प्लीटली समझना होगा। आपको ये जानना होगा कि ये सीरीज जो है स्टेप बाय स्टेप चल रही है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कनेक्शंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, प्री कनेक्शन अटैक और पोस्ट कनेक्शन अटैक। सो जो आप ये जो MITM अटैक वगैरह देख रहे हैं, दैट इज़ अ पोस्ट कनेक्ट अटैक, पोस्ट कनेक्शन अटैक। और इस पोस्ट कनेक्शन अटैक में आप एक टूल और यूज़ कर रहे हैं MITM ऐप के साथ, दैट इज़ वायरशार्क। और वायरशार्क जो एक्चुअली बनाया गया था साइबर एक्सपर्ट्स के लिए, जो एनालाइज कर सकें कि किसी वेबसाइट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं, उसके डेटाबेस में कौन कौन से IP एड्रेस आ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, और वो किस तरीके से कितनी लिमिट में है, ये सारी चीज़ें देखना, उसको एनालाइज करना, इसके लिए बनाया गया था। पर इसे हैकर अपने तरीके से यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं, जानते हैं इस टूल को, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे MITM का। तो आप सर्च ऑप्शन में जाएं, यहाँ पे टाइप करें वायरशार्क और जस्ट क्लिक करें, तो आपको इसका जो इंटरफेस है वो दिखाई देगा। ओके, ये प्री इंस्टॉल्ड आता है काली लिनक्स में, इसलिए आपको ज़्यादा हेडिक लेने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से कैसे इंस्टॉल होगा। ये प्री इंस्टॉल्ड है वायरशार्क जो है आपको काली लिनक्स में। ओके, तो सो देख सकते हैं आप इसका ये इंटरफेस ओपन हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले इसके इंटरफेस से हम फैमिलियर हो जाते हैं ताकि हम इसे फिर यूज़ कर सकें। एक छोटा सा एरर आएगा, जस्ट इग्नोर इट, इसे टेंशन मत लीजिएगा। ये जो एरर है ये हमेशा ही आता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसे जस्ट क्लोज कर दीजिए, आप टेंशन फ्री हो जाइए इस एरर को लेकर। ये एरर कोई मायने नहीं रखता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं सारे इंटरफेस हैं आपके सामने, जिसे मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। सो यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे इंटरफेस हैं। ओके, ETS 0, NE, आप ये जो कुछ भी देख रहे हैं सारे इंटरफेस हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। LAN 0, ETS 0, आपका ब्लूटूथ, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सारे इंटरफेस हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है आपका फाइल ऑप्शन है। यहाँ से अगर आप ओपन ऑप्शन पर जाते हैं, तो इसको लास्ट टाइम अगर आपने यूज़ किया होगा, पहले कभी यूज़ किया है, और वो जो भी डेटा आपने कैच किया था उसको कहीं सेव करके रखा, और अब आप उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो आप ओपन ऑप्शन से उसको यहाँ लाके फिर से ओपन करके फिर यूज़ कर सकते हैं। सो इसलिए ये ऑप्शन बनाया गया, ये जो ओपन ऑप्शन है। सो पहले अगर मैंने, मान लीजिए, मैन इन द मिडल अटैक फ्रेमवर्क के साथ इसको यूज़ किया था, और फिर इसको फाइल में उस समय एनालाइज नहीं कर पाया, बहुत लेंदी डेटा था, और मैं बाद में यूज़ करना चाहता हूँ, उसके लिए ये ऑप्शन है। यहाँ पर ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो सारे दिख रहे हैं ये सारे आपके इंटरफेस हैं। और आप नोटिस कीजिए कि इनमें से किसी भी इंटरफेस में डेटा फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके ETS 0 में हो रहा है, क्योंकि मेरा यही एक इंटरफेस चालू है। आप देखेंगे कि जैसे ही अगर मैं ब्राउज़र ऑन करूँ और ब्राउज़र में कुछ फ्लो करूँ या कोई वेबसाइट पर जाऊँ, तो जो डेटा का ये जो अप एंड डाउन है ये और तेज़ी से हो जाएगा। मीन्स ये इसे और तेज़ी से कैप्चर करने लगा या एनालाइज करने लगा। अभी कैप्चरिंग हमने ऑन नहीं किया, अभी हम सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, ये सिर्फ उस डेटा को देख रहा है, एनालाइज कर रहा है। ओके, सो अगर मैं इस ब्राउज़र को ऑन करूँ, और इस आप ब्राउज़र को ऑन करें और आप जो भी यहाँ पर टाइप करेंगे, जो भी लिखेंगे, सो जैसे ही ये इस वेबसाइट पर जाने की कोशिश करेगा, देन आप इसको देखिए कि ये किस तरीके से, ये देखिए जो डेटा रेट है, जो उसका जो यूज़ है वो देखिए बढ़ने लगा है। वो जो आपके अप एंड डाउन चल रहे थे डेटा के, वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो इस तरीके से ये यूज़ होता है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट में, यहाँ पर आप देखिए, मैं इसको अपना एक, अब हम विंडोज़ को अपना एक वो ले लेते हैं टारगेट, इसका IP नोट कर लेते हैं, ताकि हम इसे मेन द मिडल अटैक फ्रेमवर्क के साथ वायरशार्क को यूज़ करके देख सकें कि ये फिर कितना यूज़फुल है। ओके, सो ओपन योर टर्मिनल, और जो कमांड हमने हमेशा देते आए हैं, जो कमांड हम देते आए हैं उसी कमांड को हमें यूज़ करना है। आई डोंट थिंक सो कि ये कमांड वापस से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है मुझे, पर आप देख सकते हैं जो सेम कमांड जो हम हमेशा यूज़ करते हैं वही कमांड दी हुई है। और आप चाहें तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि पाइथन MITM.py पाइथन को चलाने के लिए ARP स्पूफ कर रहे हैं, दैट्स वाई ARP स्पूफ। गेटवे जो आपका राउटर का IP और आपके टारगेट का IP, देन आपका I जो उसके बाद है आपका इंटरफेस ETS 0 हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो आपको यहाँ देखना है कि अगर मैं अपने टारगेट PC पर, ओके, मान लीजिए मैं एक LAN कनेक्शन में हूँ, वहाँ पे मेरा कोई टारगेट है और वो टारगेट देख रहा है, तो मुझे ये बताता जाएगा। मैं अभी कैप्चर नहीं करना शुरू किया, मुझे ये बताता जाएगा। ये देखिए, ये जो बहुत ऊपर नीचे होने लगा वायरशार्क, ओके, मींस बताते जा रहा है कि डेटा बहुत तेज़ी से ट्रेवल कर रहा है। ओके, सो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब ऑन है और वो डेटा देखिए कितने तेज़ी से फ्लो कर रहा है। आगे आने वाले कुछ वीडियोज़ आपको वायरशार्क के साथ ही मिलेंगे, तब हम इसका असली यूज़ देखेंगे। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।